नानी है वो नमक लेके आई है, तो मेरे बुबू और मेरी अम्मा चल रही है खीरा पार्टी। घर से अम्मा अदरक लहसुन का नमक पीस के बढ़िया वाला लेके आई है, आमा के लिए जो लाग गया था इसलिए छोप रखा है। और इधर चल रहा है हर हर गंगे स्नान। क्या कह रहे हो? देख तू भीड़ में हरो कहा वहाँ उधर आप कि बाजार पर मिलन आते मिलन आते सब दवाई खींचे तो रहो नहीं खुलेगा स्कूल, मजा आ गए तुम्हारे अब। मजा ही आ रही है। तो आज नानी सब कुछ घुमाने वाली है, ठीक है? ठीक है। किचन गार्डनिंग के लिए हुआ ये। अच्छा। ये वो कोई बिजनेस पर्पस के लिए नहीं हुआ, ये हुआ इसमें टेम्परेचर ज्यादा हुआ, गर्म हुआ। इसमें कितोले सब होते होंगे ना? ये जैविक खेती हो रही। इसे आप पानी इस पे कितना ही गिरा दो ना, आप ऐसे हिलाओगे तो पत्ता एकदम साफ मैजिक लाइक बनता है भाई। ये देखो इसमें मतलब पानी आपको दिखाई ही नहीं देगा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेर पहाड़। ये पीछे आपको जो लोकेशन दिखाई दे रही है मेरे गांव की लोकेशन है, और आज मैं अपने दूसरे घर में हूँ और यहाँ का जो नज़ारा है वो थोड़ा ऐसा है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक पहाड़ के एक नए ब्लॉग में और एक नए दिन में। मैं रोहित पहाड़ी आपका इस ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आज हूँ अपने हेम भाई के घर में, क्योंकि कल शाम मैं यहाँ आ गया था। कल शाम जो आपने चूल्हा रोटी सब कुछ देखा था ना, वो उनके घर का था। तो आपको मैं एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या है ना, पहाड़ में मार्केट यहाँ पर आसपास होती नहीं, तो यहाँ पर गमले कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, देखो आप, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लकड़ी है, ये पेड़ उसको काट के पूरा होल बना के बीच में इस तरीके से ये लकड़ी के गमले बनाए हैं। देखो है ना गजब का आइडिया। तो पहाड़ों में ना सारे जुगाड़ चलते हैं। हमारी छोटी वाली नानी है और सुबह सुबह झाड़ू का काम चल रहा है। देखो और ये नानी सबसे मस्त रहती है एकदम, हमेशा हंसमुख नानी, इनका नाम है हंसमुख नानी। मेरे को ना सुबह सुबह आइडिया नहीं हो पाता कि अभी ब्लॉग में क्या होने वाला है और क्या बोलना है, क्योंकि दिन सुबह प्लान करता हूँ कि आज हम ये दिखाने वाले हैं, दिन तक हम कुछ और दिखा देते हैं, शाम तक कुछ और हो जाता है, तो फिर वो सब कुछ मिक्स हो जाता है मिक्स वेज की तरह। जैसे मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ, मोटो ब्लॉग करता हूँ कि आज मैं यहाँ जाने वाला हूँ, रास्ते में ये मिलेंगे, वो मेरे को मैप में दिख जाता है, तो मैं पहले से वो आइडिया दे देता हूँ क्योंकि आज हम यहाँ जा रहे हैं, हमारे बीच में ये आएगा वो आएगा ये आएंगे ये लोकेशन आएगी आपको ये घुमाऊंगा। बट यहाँ पर क्या है ना, सुबह से शाम तक क्या होगा मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है कि ये होगा। तो मुझे बाहर आके क्या दिखाई दिया, सबसे पहले यहाँ पे हमारा एक माल्टे का पेड़ है, ये हमारी ये वाली नानी का पेड़ है। देखो कैसे माल्टे हो रहे हैं, मतलब हम लोग इन चीजों को बाहर से खरीद के खाते हैं। अब देखो ये देखो यहाँ पे क्या क्या होता है ना, फल सब्जी, मैं आपको पूरा खेत सब कुछ घुमाने वाला हूँ। वो किसके साथ? वो हमारी नानी के साथ। तो नानी घुमाएगी नहीं घुमाएगी? कहाँ कहाँ घुमाओगे, क्या क्या हो रहा है बताओ पहले खेतों में। हमारे खेतों में खीरे हो रहे हैं, खीरे हो रहे हैं, एक लौकी हो रहे हैं, लौकी हो रही है, दो हो रहे हैं, कद्दू हो रहे हैं, तीन तुरई हो रहे हैं, तुरई हो रही है, भिंडी हो रही है, भिंडी हो रही है, सब कुछ है। तो भैया देखो पहाड़ों में क्या क्या होता है, तो आज नानी सब कुछ घुमाने वाली है। ठीक है ठीक है। ये देखो करेले भी होने लग गए। तो भैया पहाड़ों में ना सब कुछ, और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता है, सब कुछ प्योर है। मतलब जैसे हम वहाँ शहरों में हम खाते हैं ना भिंडी लौकी, तो सब इंजेक्शन वाली ज्यादा खाते हैं, बट यहाँ पे क्या है ना सब कुछ प्योर है। हम जब प्योर चीज खाएंगे तभी हमारी बॉडी एकदम प्योर रहेगी, वरना सारा पेस्टिसाइड जो हम दवाइयों के रूप में इन सब्जियों में डाल लें ना, वो सारा हमारे पेट में आ रहा है, तभी हमारी किडनी खराब हो रही है, तभी हमें स्टमक प्रॉब्लम हो रहा है, तभी हमारे हार्ट प्रॉब्लम हो रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे भुट्टे भी लगाए जाते हैं। ये हमारी पत्ता गोभी देखो आप, ये देखो। तो भाई लोग यहाँ पे क्या नहीं होता है, सब कुछ तो इन पहाड़ों में होता है यार। देखो नीचे को जा रहा था रास्ते, तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे जो लोग है ना वो क्या कहते हैं इस तरीके से अपनी गायों को लेके जंगल जाते हैं। ये अंकल जी मुझे मिले यहाँ पे, तो ये अभी अपनी गायों को लेके जा रहे हैं। तो कितना दूर जाओगे आप? कोटेधार तो जाओगे, एक दो किलोमीटर जाओगे मतलब। तो देखो भैया यहाँ सुबह सुबह का एक काम ये भी है कि अपने जो भी आपकी गाय और भैंस है ना उनको लेके आपने जंगल जाना है। तो अभी जो मेरी नानी है ना वो कपड़े धो रही है, आपको दिखाता हूँ इतनी उम्र में भी ना पहाड़ों में किस तरीके से काम करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे वॉशिंग मशीन का ऐसा कुछ है नहीं, तो सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता है। हाँ अम्मा, कितने दिन में एक बार धोते हो कपड़े अम्मा तुम? कितने दिन में धोते हो कपड़े? दो तीन दिन में। ये कौन सी दाल है? ये सब है आलू बेलू घिंगारू मिर्च के घोत मोट सब। इसमें घोत भी है? घोत भी है, मोट भी है। घोत और मोट, मोट कौन सी दाल होती है? वाली। राजमा नहीं लगाते हो क्या यहाँ? राजमा अलवे नहीं लगे और सालू मामा लोगों से अलवे नहीं लगे। अच्छा, अलवे खेतों में घास है वो जी। हाँ, तो ये हमारी नानी है, इधर काम कर रही है अम्मा नानी, और ये हमारे बुबू जी। छोटे छोटे खीरे खाने का जो मजा है ना, नमक लाए हो? कहाँ? घर से अम्मा अदरक लहसुन का नमक पीस के बढ़िया वाला लेके आई है, आमा के लिए जो लाग गया था इसलिए छोप रखा है। तो मैं ले आऊँ तोड़ के ना अदरक से खीरा? हाँ।
ठीक है, छोटे छोटे लाना है, तुम भी खाओगे ना। तो भाई लोग इधर अपने ये देखो, मैंने आपको कहा था सुबह आपको अपने खेत दिखाऊंगा, ये आपको दिख रहा है, कुछ दिख रहा है आपको, ये खीरा है। हाँ अम्मा ये खीरा देखो कितना बड़ा है। तो ये क्या है, ये खीरा रायते वाला खीरा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया, पीला हो गया, तो इसका आप खाने में यूज नहीं होगा, क्या तो रायता या फिर बीज, दो चीज बन पाएंगी। और मुझे जो खीरा चाहिए वो लगा है ऊपर, देखो सच में। अब इसे तोड़ेंगे कैसे, यहाँ चढ़ना पड़ेगा, चढ़ने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखो भाई, देख रहे हो, ये आपको दिख रहा है, ये ककड़ी है, ये थोड़ी मोटी हो गई है, इसलिए इसे अभी ऐसे कच्चा खाने में ना मजा नहीं आएगा। खीरे को इधर संभालते हैं और इस खीरे को तोड़ लेते हैं ऐसे। तो अभी चलते हैं फटाफट अपने नाना नानी के पास, मैं चाकू लेके आना भूल गया था, तो पहले चाकू लेके आता हूँ। तो भाई अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, अगर आपको लगता है ना कि मैं इस समय पहाड़ में ट्रेवल कर रहा हूँ और बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बड़ा लान था और हाँ मैं खाता हूँ, रुको 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 मैं चाकू लेके आता हूँ, चाकू लेके लाई हूँ मैं। हमारी चल रही है खेत में खीरा पार्टी, और खीरा पार्टी में देखो अदरक लहसुन का नमक ऐसे लगाना है। घर से इस कागज में नानी है वो नमक लेके आई है, तो मेरे बुबू और मेरी अम्मा चल रही है खीरा पार्टी। मजा आया ना, आया आया मजा आएगो, आई कुछ हो रहा है। खेत में आया था मैं चाकू लेके आना भूल गया, तो मेरी जो अम्मा है ना दराती लेके आई थी। दराती अगर आप जानते नहीं हो तो पहाड़ी में घास काटने वाला जो ये औजार होता है ना इसको दराती बोलते हैं। ये पत्ते यहाँ बिछा रखे हमने ताकि इसमें मिट्टी ना लगे। लो बाबू खाओ यार, वो और खाओ। तो इसमें लगाएंगे ऐसे लहसुन। तो अगर आपको ये हमारी खीरा पार्टी अच्छी लग रही है, आमा बुबू के साथ बैठ के पहाड़ों के जंगलों में खेतों में बैठ के खीरा पार्टी अगर अच्छी लग रही है, तो लाइक वाला बटन दबाने में कंजूसी मत करना। और ऐसे ही पहाड़ी ब्लॉग देखने के लिए ना सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। अब कोई नहीं खाता, ओके अल्लाह बाहर का जरूर खाए। तो ये है अपना पहाड़ी खीरा, तो वो खाओ 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 खाओ। घर का पिसा हुआ नमक ना खीरे में लगता है ना, मजा आ जाता है। हाँ तो अभी मैं आ गया हूँ अपने खेत में, मतलब यहाँ पे क्या सरकार की तरफ से पॉली हाउस मिले पड़े हैं। यहाँ पे क्या है कि बे सीजन की, मतलब सीजन के अलावा जो बे सीजन की सब्जियाँ होती हैं और फल फूल इसके अंदर उगाए जाते हैं। देखो अपने घर वाले कैसे यहाँ काम करते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो आप, ये देखो ये क्या बोल रहे हो आप इसमें, हम बोलेंगे लाइक किचन गार्डनिंग के लिए हुआ ये। अच्छा। ये कोई बिजनेस पर्पस के लिए नहीं हुआ। अच्छा मतलब खाने के लिए, अपने खाने के लिए हुआ है। अच्छा इसमें लाई हो जाती है और लाई हो जाएगी, अभी बीन हो जाएगी, मेथी हो जाएगी, मेथी हो जाएगी और मूली और मूली होगी। ये हुआ इसमें टेम्परेचर ज्यादा हुआ, गर्म हुआ ये धूप की वजह से, धूप की वजह से मतलब जल्दी दे देगा उत्पादन। अच्छा इसमें बारिश का पानी का मतलब नहीं, अपने हाथ से पानी डालना पड़ता है, इसमें सारी व्यवस्था अपने हाथ की है, मतलब अपने हाथ का मौसम है, अपने हाथ का मौसम। अगर आपको गर्मी चाहिए तो धूप से तपा दो, खोलना है तो खोल दो। पर तो ये देखो ये है अपना पॉली हाउस, ये है कंपोस्ट खाद, ये गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद गोबर की खाद, प्योर प्योर गोबर की खाद है, जैविक खेती। तो इसमें कितोले तोले सब होते होंगे ना, ये जैविक खेती हो रही। अच्छा ये जैविक खेती। यार तो क्यों कहते हैं कि पहाड़ की सब्जियां महंगी हैं, यही वजह है पहाड़ की सब्जी महंगी होने का, क्योंकि यहाँ पे जो पेस्टिसाइड जो यूज होता है ना वो बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे अपनी खुद की घर की गोबर की और सड़े हुए पत्तों की खाद बनाई जाती है। बहुत सारे लोग मतलब इस तरीके से केमिकल सब्जियों में केमिकल खा रहे हैं, हर जगह इंजेक्शन लगी दवाइयां खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी किडनी और हमारी जो लीवर है ना बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं। बट यहाँ पहाड़ की सब्जियां आप कहते हैं ना कि तराई और देसी की सब्जियां जो है, टमाटर अगर वहाँ का 5 रुपये किलो है तो यहाँ का 50 रुपये किलो है। क्यों? उसकी वजह यही है कि यहाँ पर जो खाद यूज होती है पूरी अपनी जैविक अपनी घर की बनी खाद यूज होती है। इसमें मतलब ये लगा तो ना 10-12 दिन में लाई हो जाएगी, 10-12 दिन में लाई हो जाएगी। और आपने अगर कभी गडेरी खाई है ना, गडेरी को पिनालू बोलते हैं, अरबी बोलते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। ये है देखो अरबी की खेत, आपको पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये सारे अरबी, इसको अरबी बोलते हैं ना अम्मा, या पिनालू या गडेरी, गडेरी भी बोलते हैं पिनालू भी बोलते हैं, हम लोग पहाड़ी में क्या बोलते हैं इसे, पिनालू। इसका सबसे बड़ा मैजिक क्या है ना इन पत्तों का, इस पर जब पानी गिरता है ना, पानी की बूंदें ऊपर से गिरती हैं तो अलग से एकदम से क्रिस्टल टाइप के, मतलब डायमंड टाइप के दिखते हैं। देखो इसे आप पानी इस पर कितना ही गिरा दो ना, आप ऐसे हिलाओगे तो पत्ता एकदम साफ, मैजिक लाइक बनता है भाई। ये देखो इसमें मतलब पानी आपको दिखाई ही नहीं देगा। पहाड़ों में देखो कितने टाइप की सब्जियां मैंने आपको दिखा दी है। तो यार अपने पहाड़ों में ना सब कुछ होता है, सब कुछ मतलब सब कुछ। और इधर चल रहा है हर हर गंगे स्नान, ठीक है। तो ये हमारे बाथरूम से, तो यार यहाँ देख रहे हो मतलब जिन फूलों को मतलब लोग वॉलपेपर में ढूंढते हैं ना, वो सारे फूल यहाँ यार बड़े प्यार से ऐसे ही हो जाते हैं। तो ये हमारा दूसरा घर है, दूसरा नहीं तीसरा चौथा पांचवा, चार घर तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ये हमारा पांचवा घर है और सबसे पहला घर यही है, सबसे बड़ा और सबसे पहला। तो ये देखो यार इधर फूल देखो आप, फूल देखो इधर आप, कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत फूल हो रहे हैं यार। तो यार इन छोटे छोटे फूल्स के लिए यार एक लाइक तो बनता है। और पहाड़ की लाइफ जिस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारी गलतियां कर रहा हूँ जानता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग है, शुरुआत है। क्या कह रहे हो,
कहाँ वहाँ उधर। अच्छा आमा बोल रही है एकाध फूल उधर हो रहे हैं बहुत बढ़िया वाले, बट वो भूड़े में हो रहे हैं, भूड़ मतलब भेड़ा, वहाँ चलने का रास्ता नहीं होता है। आप कि भाव ना बाजार बन मिला आते मिला आते सब दवाई खींचे तो भाव तो नहीं पा मैं हूँ कोगो मत ऐसी भेटा रनु नहीं कि मगर नहीं कि पापा तो आज यह लहर आ गया, तीसरी लहर आ गई है कहाँ पर खोली पर ना स्कूल वाले बेला नहीं खोलना मुश्किल है। स्कूल खुलेगा होली वो कब है? नहीं खुलेगा स्कूल, मजे आ गए तुम्हारे अब मजे आ गए ना अब तुम घर में बैठोगे फिर से। पापा तुम पढ़िया कह जा रहा बस पापा ध्यान का गए इन्होंने बस सुबह से 7 बजे से बैठा हूं तभी डांट खाता हूँ। तो चलो भाई अभी हम निकलते हैं यहाँ से नीचे के घर की तरफ, और इस तरीके से यहाँ पे हमारे जानवर भी होते हैं। देखो ये हमारे जानवर चरवाहे मतलब क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं वहाँ पहाड़ी में इनको, डंगर डंगर, ये हमारे डंगर है डंगर। ये हमारे पुलम खुमानी आड़ू के बगीचे हैं जहाँ मैं अभी आपको घुमा रहा हूँ, क्योंकि अभी सीज़न ख़त्म हो गया है इन सब चीज़ों का। जब सीज़न आएगा तो यहाँ पे दोबारा फलों से लद जाएंगे, अभी क्या है सीज़न चला गया तो इस टाइम पे ये सब नहीं, इस समय सीज़न चल रहा है ओनली सब्जियों का। तो यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और एक बड़ी खूबसूरत चीज़ और दिखाने वाला हूँ। ये आपको छोटे छोटे फूल दिखाई दे रहे होंगे, ये देखो आप, अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको अगर ये दिखाई दे रहा है फूल, इसे कूरी का फूल बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नाम क्या है मुझे भी नहीं पता, हाँ एक टाइम पे पता था। ठीक है चलो। तो यार इस तरीके से ना देखो पहाड़ों में क्या है, इस तरीके से डेली मसालों को पीसा जाता है, मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि आपने गोल्डी का, कैच का या हल्दीराम का किसी का मसाला ले लिया, यहाँ सारे मसालों को अदरक लहसुन हल्दी जो भी होता है धनिया सब कुछ डेली पीसा जाता है और सब्जियां बनाया जाता है। इसका मतलब कितना फ्रेश है आप खुद सोचो। इधर बन रही है हमारे लिए गर्मा गर्म चाय, पहाड़ी चाय, कड़क चाय। तो भाई लोग शाम के खाने की ना जो सब्जी की तैयारी हो गई है, और सबसे अच्छी चीज जो मुझे आज यहाँ पर ना एकदम से मतलब शॉक करने वाली चीज थी वो थी यहाँ की भिंडी। आपको यहाँ की भिंडी का मैं कलर दिखाता हूँ, देखो यहाँ की जो भिंडी है ना एकदम लाल रंग की भिंडी। तो मैंने पूछा भी नानी से कि मतलब ये भिंडी लाल रंग की क्यों है, तो ये बोल रहे हैं कि आप लोग जो भिंडी खाते हो ना बाजार में वो देसी भिंडी है और ये पहाड़ी भिंडी है। मैं आपको दिखाता हूँ भिंडी कैसी है, देखो अभी ये देखो आप भिंडी का कलर देख के ना आप शॉक हो जाओगे कि भिंडी का कलर ऐसा कैसे है। ये देखो दिख रही है आपको भिंडी, तो ये लाल रंग की भिंडी ये अपने घर की भिंडी है, और इसमें कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं हुआ है क्योंकि इसे लोग घर में खुद खाते हैं, और ये मतलब ये समझ लो कि बिल्कुल पेस्टिसाइड बिल्कुल फ्री है, तो आपको मतलब इससे खाने में कोई दिक्कत नहीं। तो पहाड़ में देखो लाल रंग की भिंडी होती है यार, मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए। तो देखो शाम के खाने की तैयारी हुई है, इधर भिंडी बन रही है, और उधर जो हमारी मामी जी हैं उधर देखो उधर बन रहा है क्या, लौकी, लौकी कद्दू है, कद्दू की सब्जी। तो ये अपना पहाड़ी रसोई है, पहाड़ी चूल्हा, एक चिमनी वाला मतलब जो चीड़ की लकड़ियों से जलता है मतलब चूल्हा, ये गैस वैस वाला सीन नहीं है यहाँ पर कुछ, यहाँ पर लकड़ी वाला आइटम है सर। क्या है ना अपना जो रात का डिनर था जो सब्जी कट रही थी ना वो लाल वाली भिंडी और अपना कद्दू बन के आ गया। देखो ये कितना लजीज बना है, देखो ये भिंडी अपनी पहाड़ी भिंडी है और ये कद्दू भी अपना पहाड़ी कद्दू है। फटाफट से इस डिनर को फिनिश करते हैं। ये कद्दू की सब्जी है और ये भिंडी की सब्जी है,